नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा के उपचुनावों में 1 सीट ऐसी है जहां कांग्रेस को सफलता मिली है। सतना जिले की रैगांव सीट पर कांग्रेस की कल्पना चुनाव जीत गई है। कल्पना वर्मा के इस चुनाव के बाद उन्होंने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। सबसे पहले सुनिए कल्पना ने क्या कहा और रैगांव की इस जीत में बाकी के लोगों की क्या भूमिका रही। बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे हमारे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश पैदा हो गया, चूँकि 35 साल बाद कांग्रेस यहाँ पर जीती है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और रैगांव विधानसभा की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ज्यादातर शेयर किसको देना चाहती आप कांग्रेस आपकी जीत के? कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को और रैगांव विधानसभा की जनता को ये श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि यह चुनाव जो है तो कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा है और रैगांव विधानसभा की जनता ने लड़ा है, एक एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है, जिसने जनता के। आपको बता दें कि रैगांव विधानसभा सीट में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिमा बागरी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वे कांग्रेस की कल्पना के सामने नहीं टिक पाई। कांग्रेस के तमाम नेता अब यहां जीत का जश्न मना रहे हैं। जन जन कार्यकर्ता जो था ऊपर से लेके नीचे तक का, पूरे कार्यकर्ताओं की मेहनत है और हम भारतीय जनता पार्टी के 35 साल का घोषणा अधूरा और उसके छलवे की राजनीति समझ गए थे, इसलिए हर कार्यकर्ता चाहे वो महिला कांग्रेस हो, चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे मेन कमेटी हो, घर घर घुस के हमने अपनी जो हमारी कांग्रेस की योजना थी उसको हमने बताया और समझाया कि आज के डेट पे जो योजना आपके पास है, जो आपका अधिकार है, वो कांग्रेस का दिया हुआ है। देखिए, अब खुशी तो होती है जीत में और हमारी खुशी का कोई और छोर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम 35 साल बाद जीते हैं। आज रैगांव की जनता ने ये साबित कर दिया है, जो भाजपा महंगाई भ्रष्टाचार और इनकी जो गुंडागर्दी है, धर्मता उसके खिलाफ जनता ने आज जनादेश दिया है। आज कल्पना वर्मा जी करीब 12,000 से ज़्यादा वोटों से विजयी हुई हैं और ये हुंकार जो रैगांव की जनता ने भरी है आज, वो हुंकार 2023 में इसका असर दिखाएगी। सतना जिले के उचेहरा में भी जीत का जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने यहाँ एक दूसरे को मिठाई खिलाई, केक काटा और कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया। लेकिन इसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनकी एकजुटता से, जनता के समर्थन से कांग्रेस ने चुनाव जीता है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हुए हैं और तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।